Welcome back to Super Mom's Recipes. आज की रेसिपी हैदराबादी ने बताई है और पंजाबी ने बनाई है, तो बिल्कुल इजी रेसिपी है। बहुत सिंपलीफाई करके आपके लिए ये मैं रेसिपी लेके आई हूँ। हैदराबादी बिरयानी वर्ल्ड फेमस है अपने फ्लेवर्स के लिए, अपने अरोमा के लिए। वही सब फ्लेवर्स, वही सब चीज़ को मैं आपके लिए प्रेजेंट करने लगी हूँ। फ्लेवर्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है, बिल्कुल एक एक स्टेप वैसे ही फॉलो किया गया है जैसे कि हैदराबाद में ट्रेडिशनली ये रेसिपी बनती है। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको ये रेसिपी पसंद आए। तो जिसके लिए मैंने बहुत सारे प्याज चॉप कर लिए हैं और एक पैन में हमने ले लिया है बहुत सारा ऑयल, और मैं इन चॉप करे हुए प्याजों को मैं फ्राई करने लगी हूँ। ये इनिशियल स्टेप है बिरयानी का, तो प्लीज़ आप भी ऐसे ही स्टार्ट करें। इसको हमें एकदम गोल्डन ब्राउन करना है, क्रिस्पी ब्राउन करना है। ये अनियन जो है वो की इंग्रेडिएंट का रोल प्ले करेंगे इस बिरयानी में, एंड मेक श्योर ये जो अनियन है वो जले नहीं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्ची स्लिट कर ली है और मैं डाल देती हूँ इसको ब्लेंडिंग जार में, और साथ ही साथ लगभग 2.5 से 3 चम्मच भर के आप इसमें साबुत जीरा डाल दें। जीरा डालने के बाद जो हमने अनियन गोल्डन ब्राउन किए थे हम उसको एकदम से निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम ये स्टेप फॉलो करें प्लीज़, नहीं तो जलने का डर रहेगा। एंड इसको मैं बिल्कुल ऑयल में से निकाल के इसको मैं डाल देती हूँ इसमें, ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी। अभी इसको हमें फाइन प्यूरी करना है, तो ये देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये थोड़े से गर्म भी थे, और इसको हम अच्छे से प्यूरे कर लेंगे। तो मेक श्योर इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे हम, बस इसी ऑयल में ही ये ब्लेंड हो जाएंगे। और ये वाला ऑयल, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पैन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है। इस पैन में हमने ऑयल भी डाल दिया है जो अपनी यूज़ करा था। मेरे पास यहाँ पे लगभग 800 ग्राम के करीब है चिकन, तो नीचे ये हमने जो ऑयल यूज़ करा था वो डाला है। जो अभी हमने जीरा, हरी मिर्ची और अनियन की जो पेस्ट बनाई है मैं इसी चिकन के ऊपर डाल दूँगी। ध्यान रखें आपने जिस बर्तन में बिरयानी बनानी है आप उसी में ये सारा स्टेप फॉलो करें, क्योंकि बार बार हम इसको नहीं टच करेंगे। मैं इसी कढ़ाई में बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसी में ये मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो ये देखिए 2 चम्मच के करीब अदरक और लहसुन की पेस्ट मैंने ले ली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये लगभग 2 चम्मच है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। नमक, काश्मीरी लाल मिर्च है, ये बिरयानी को बहुत अच्छा कलर देगी। और कुछ ये खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, 4 दाने मैंने लौंग के लिए हैं, 2 इलायची ली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, इसको भी हम थॉ कर लेंगे। और 1 मैंने स्टार एनीज यानी फूल चक्री भी ली है। और ये जो मसाले हैं बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले करेंगे, तो यहाँ पे हम मैरिनेशन के टाइम में ही इन सबको डाल दें। एंड प्लीज़ व्यूअर्स ध्यान दें, जैसे मैं स्टेप्स को फॉलो कर रही हूँ आप भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स फॉलो करें। और मैं यहाँ पे लगभग 1 बड़ा कप के करीब मैंने यहाँ पे कर्ड ले ली हैं, या आप ये कह सकते हैं लगभग 300 से 350 ml के पास मैंने यहाँ पे कर्ड ले ली है। एकदम थिक कर्ड है ये, और इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सो दैट जो चिकन है उसमें सारे मसाले उनका फ्लेवर्स चला जाए। एंड ये अब जो स्टेप है वो एकदम हाथ से करने वाली हूँ मैं, इसमें बिल्कुल संकोच नहीं करें। ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसलिए हम कर रहे हैं जो मसाले हैं वो चिकन में अच्छे से लिपट जाएं, और इसको हम छोड़ देंगे नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए। अगर सर्दी है तो आप बाहर रख दें, गर्मी है तो फ्रिज में रख दें। 8 आवर्स के लिए इस मैरिनेशन को रहने दें,
और मिलते हैं 8 घंटे के बाद। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं लगभग 1 ग्लास के करीब बासमती राइस है, इसको मैंने आधा घंटा के लिए भिगो दिया था एंड मैं उसमें मेजर करके पानी डाल रही हूँ। आप कोई भी राइस ले उसको अपने अकॉर्डिंगली पानी डालें और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है। वापस हम चलते हैं कुछ मसाले की तरफ। 1 हरी इलायची और 5 से 6 लौंग, इनको हम थॉ करके इसी राइस में डाल देंगे, सो दैट जो राइस हैं उनमें मसालों का फ्लेवर, गरम मसाले का फ्लेवर वो बहुत अच्छे से आए। हम इसमें एडिशनल अब कुछ नहीं डालेंगे। तो ये देखिए, हमने राइस को कुक करने के लिए छोड़ देना है। बहुत इजी है हैदराबादी बिरयानी, जितनी ये टेस्टी है उतनी ये इजी है। तो इसको मैं कवर कर देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने चिकन को एज इट इज़ उसी कढ़ाही में गैस के ऊपर रख दिया है और इसको हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, सो दैट ये हाफ डन हो जाए। वहाँ हमने राइस भी हमने पूरे कुक नहीं करने हैं, उसको भी हम 80% तक ही कुक करेंगे, यानी एक कनी हम राइस में भी छोड़ देंगे। लगभग 15 मिनट्स तक कुक होने के बाद इस चिकन में हम अब स्टार्ट करेंगे लेयरिंग, जो ऑलरेडी हमारे पास राइस कुक हो चुके हैं। तो मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ लेयरिंग। एक बिल्कुल पतली सी लेयर लगाएंगे हमारे जो 80% राइस कुक हो रखे हैं उनके साथ। एक पतली सी लेयर लगाने का रीज़न ये है, जो एकदम नीचे की तरफ ये राइस रहेंगे उसमें जो फ्लेवर है वो एकदम प्रोमिनेंट आए। तो इसको हम इवनली स्प्रेड कर देते हैं और इसको हम ढक देते हैं फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। बिल्कुल यही स्टेप्स को आप भी फॉलो करें और जैसे ही 5 मिनट्स हो जाएं तो इसमें हम स्टार्ट कर देंगे दूसरी लेयर लगानी। तो मैं यहाँ पे बाकी के राइस के साथ सेकंड लेयर स्टार्ट कर रही हूँ। इस बिरयानी में हमें कोई भी किसी तरह का एडिशनल लेयर नहीं बनाना है। तो जैसे ही हमारी ये सेकंड लेयर हो जाए इसको भी हम अच्छे से सेटल कर लेंगे एकदम, इसको भी हम स्मूथली, ये देखिए, तब तक मैं इसको इवनली ये कर देती हूँ, सो दैट इसको अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बाकी है। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं पर मैं यहाँ एकदम हैदराबादी फ्लेवर्स के साथ बना रही हूँ तो मैं स्किप नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे लगभग आधे कप में थोड़ा सा केसर स्ट्रैंड्स लेके सोक कर दिया था, तो इसको मैं फाइनली स्प्रेड कर देती हूँ, इसके ऊपर पोर कर देती हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं बट अगर इसके साथ बनाएंगे तो एकदम बिरयानी बाय किलोज और बहरोज जैसी बिरयानी आपको घर में ही मिलेगी। तो इसके हम एजेस को एकदम सील कर देते हैं, इस पर मैं हैवी वेट रख देती हूँ। तो पूरे 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। तो बिरयानी को दम देने के बाद ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। वाओ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम। और इन फ्लेवर्स को एंजॉय करने के लिए आपको भी एज इट इज स्टेप्स को फॉलो करना होगा एंड प्लीज़ अगर आप रेसिपीज फॉलो करते हैं और कैसे रिजल्ट्स आते हैं आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी डायरेक्टली फ्रॉम हैदराबाद इटसेल्फ। तो मैं इसको पॉट में सर्व कर रही हूँ, आप खाने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये फ्लेवर्स कैसे लगे। तो देखते रहिए सुपर मॉम्स रेसिपीज। और इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और इसको चाहें तो आप किसी भी तरह की कर्ड के साथ या रायता के साथ सर्व करें। मैं यहाँ मिंट लीफ के साथ इसको टॉपिंग कर रही हूँ और साथ में मैं रख देती हूँ थोड़ा सा नींबू। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलें। बने रहें सुपर मॉम्स रेसिपीज में। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।